रोहित और ऋतिक ऑफिस का काम खत्म करने के बाद घर की तरफ जा ही रहे थे। अगले दिन ऑफिस बंद था और दोनों की छुट्टी थी। तभी अचानक से रोहित ने ऋतिक से कहा कि अरे भाई, कल छुट्टी भी है यार, आ जा यार, आज रात पूरी रात एंजॉय करेंगे। हाँ, कल छुट्टी भी है और आज रात एंजॉय भी हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीफ हो जाएगा, आज चलते हैं। जिसके जवाब में ऋतिक ने हाँ कह दिया और दोनों रोहित के घर पहुँचे। उन्होंने रात के 10 बजे तक पार्टी की और फिर दोनों शांति से बैठ के फ़ोन चलाने लगे। और फ़ोन चलाते चलाते अचानक से रोहित को एक पोस्ट नज़र आई सोशल मीडिया पे, और वो पोस्ट एक प्रमोशन एड थी एक हॉरर फिल्म की, जिसे देखकर रोहित बोला कि अरे ब्रो यार, ये न्यू मूवी रिलीज़ हुई है कोई हॉरर की, चल देखते हैं। और ये बात सुन के ऋतिक ने कहा कि हाँ भाई, चल ज़रूर, क्यों नहीं, लगा दे। फिर दोनों ये मूवी देखने लगे और मूवी में एक ऐसा सीन आया जहाँ कुछ लोग कुछ स्पेल कास्ट करके बाहर की दुनिया से बुरी आत्माओं को अपनी दुनिया में लेकर आ रहे थे। और ये देखकर रोहित बोला कि अबे ऐसा सच में होता है क्या, फिर ट्राई करके देखते हैं। जिसके जवाब में ऋतिक हंसने लगा और उसने कहा अबे भाई, ये सिर्फ पिक्चर्स हैं यार, क्यों लॉजिक भरी बातें कर, कुछ ये क्या लॉजिकल बातें कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या। जिसके जवाब में रोहित ने कहा चलना, ट्राई करने में क्या जाता है, पूरी रात फ्री तो है, कल छुट्टी भी है, क्या पता कुछ हो जाए, आ देखते हैं। और रोहित एक कैंडल लेके रूम में अंधेरा करके कैंडल को जलाता है और जो मूवी में स्पेल कास्ट कर रहे थे लोग उन्हीं स्पेल्स को कास्ट करने लगता है। ऋतिक ये सब देख के कहता है कि तू भी ना कभी कभी ऐसी हरकतें करता ना बेवकूफ़ों वाली, समझ नहीं आती, मैं बाथरूम होके आ रहा हूँ, और ये सब बंद कर, ये अंधविश्वास की बातें हैं, सारी बेकार बातें कर रहा है तू, क्या और कोई रात में और कुछ नहीं है एंजॉय करने को, यही काम रह गया या साफ करके बुझा ये मोमबत्ती वगैरह, हटा यहाँ से, मैं बाथरूम से होके आ रहा हूँ। और ये कह के ऋतिक बाथरूम में चला जाता है और रोहित नहीं मानता और स्पेल कास्ट करता रहता है। और थोड़ी देर बाद ऋतिक वहीं आकर बैठ जाता है। रोहित परेशान होकर कहता है कि अबे हाँ यार, तू सही कह रहा था, मैं भी पागल हूँ यार, इन सब बेवकूफ़ों वाली चक्करों में पड़ गया, मैं बंद करता हूँ। और ये कह के वो मोमबत्ती को बुझा देता है और वो कहता है कि ऋतिक कॉफ़ी पिएगा क्या, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। जिसके जवाब में ऋतिक कुछ नहीं कहता और रोहित जाके किचन में कॉफ़ी बनाने लगता है। लेकिन उसने कॉफ़ी का डब्बा उठाया ही होता है तभी जो वो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुल रहा है और दरवाज़ा खुलते ही उसमें से ऋतिक निकलता है। और अगर ऋतिक अब बाथरूम से निकला है तो अभी रूम में कौन था, ये सोचकर रोहित के पसीने आने लगते हैं। रोहित तुरंत रूम में भाग के जाता है तो वो देखता है कि रूम में कोई भी नहीं था। फिर वो पूरी रात इंजॉय करते हैं और अगले दिन भी पूरा दिन इंजॉय करते हैं। शाम को ऋतिक अपने घर चला जाता है और अब रोहित अपने घर में फिर से अकेला था। खाना बना के वो खाना खा के सो जाता और फिर जब वो लाइट बंद करता है तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। और ये आवाज़ सुन के रोहित बहुत ज़्यादा डर जाता है और वापस से लाइट खोलता है तो वो देखता है कि आसपास कोई भी नहीं, तो ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर रोहित इसे अपना वहम समझ के लाइट वापस बंद करता है और वो जैसे ही लाइट बंद करता है उसके कान में एक आवाज़ फिर से आती है। क्या हुआ? जाने क्या है? तुमने जो बुलाया है मुझे, रोहित डर से फिर लाइट खोलता है और वो देखता है कि अभी भी आसपास कोई नहीं। होक करने की अब वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि लाइट बंद करने की उसमें हिम्मत ही नहीं बची थी। वो चुपचाप से बेड पे जाके सो जाता है और पूरी रात लाइट जलती रहती है। अगले दिन वो ऑफिस में जाता है और पूरे दिन काम करके थका हारा शाम को वापस आता है। रात के 8-9 बजे जब वो खाना बना रहा था तभी अचानक से उसके घर की डोर बेल बजती और वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि ऋतिक आया हुआ है। और वो ऋतिक को देख के कहता है अरे भाई, क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन ऋतिक किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा घर के अंदर चला जाता है।
रोहित को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि खैर छोड़ो, भाई आ ही गया है तो फिर आज पूरी रात फिर से इंजॉय करेंगे। और फिर वो खाना बनाने वापस लगता है, तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है और जो सामने से आवाज़ आती है, अबे भाई यार, तेरे को एक परफॉर्मेंस फाइल बनाने को दी थी, वो भी तूने ठीक से कंप्लीट नहीं करी है, यहाँ तेरे साइन की ज़रूरत थी, तूने साइन ही नहीं किया यार, अब मेरे को परेशानी हो रही तेरी वजह से, कल मैं बॉस से डांट खाऊंगा, अब बता मैं घर में क्या करूं, बता बैठे बैठे। और ये बात सुन के रोहित के होश उड़ जाते और वो पूछता है, ऋतिक तू घर पे है? नहीं, मैं जहन्नुम में हूँ, ऐसी बातें कर रहा यार, मैं घर पे ही होऊंगा इतनी रात। अब रोहित की आंखें पति की फटी रह गई थी और पसीने से उसका शरीर भीग गया था। रोहित तुरंत कमरे में जाता है और वो चारों तरफ देखता है तो कमरे में कोई भी नहीं था। अब रोहित और भी ज्यादा डर जाता है, तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज आती है, और ऐसा कहते ही उसके पीठ पे कोई जोर से धक्का मार और वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है और उसके कान में एक आवाज वापस आती है, डर और ये आवाज सुनते सुनते वो बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है उसकी पीठ पे एक अजीब सा दर्द हो रहा, फिर वो बाथरूम में जाके अपनी टी शर्ट उतार के देखता है तो उसकी पीठ पे दो अजीब से घाव थे, वो देख कर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी के दो हाथों के निशान, और उस निशान को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी राक्षस के हाथों के निशान है। ये देखकर रोहित और भी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे ऑफिस में ज़रूरी काम होने की वजह से उसे ऑफिस जाना पड़ता है और वो ऋतिक को इन सब बातों के बारे में बताता है और ऋतिक कहता है कि ऐसी बचकानी चीज़ें करेगा तो क्या होगा, तेरे दिमाग पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये सब तेरा वहम है, इन सब बातों को भूल जा और काम पर फोकस कर, समझा। और ऋतिक को यकीन दिलाने के लिए रोहित अपनी टी शर्ट ऊपर करके ऋतिक को अपनी बैग दिखा के कहता है, देख देख निशान देख रहा है ना ये, और जो ऋतिक कहता है, रोहित के होश वापस उड़ जाते हैं। ऋतिक कहता है कि पूरी पीठ साफ है, एक खरोच तक नहीं है, बकवास करता है, चल अब काम कर जल्दी जल्दी। अब रोहित समझ गया था कि अब वो किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, अब वो क्या करेगा जानने के लिए देखिए अगला भाग।